महाराष्ट्र बीजेपी प्रमुख चंद्रकांत पाटिल की तरफ से एनसीपी नेता सुप्रिया सुले पर की गई टिप्पणी को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। दरअसल चंद्रकांत पाटिल ने कहा कि सुप्रिया सुले को राजनीति छोड़ देनी चाहिए और किचन में जाना चाहिए। उनके इस बयान पर अब एनसीपी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। आपको बता दें, चंद्रकांत पाटिल ने बीजेपी की मुंबई इकाई की तरफ से स्थानीय निकाय चुनावों में अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने की मांग को लेकर किए जा रहे एक प्रदर्शन के दौरान ये टिप्पणी की है। पाटिल ने कहा कि सुप्रिया सुले राजनीति में क्यों हैं? आपको घर जाना चाहिए और खाना बनाना चाहिए। अब आपके घर जाने का समय आ गया है। उन्होंने ये बयान हाल ही में सुप्रिया सुले के द्वारा दिए गए बयान की प्रतिक्रिया में दिया है। आपको बता दें, महाराष्ट्र में नौकरियों और शिक्षा में ओबीसी के लिए आरक्षण को लेकर दोनों पार्टियों के बीच विवाद जारी है। गौरतलब है कि सुप्रिया सुले ने ओबीसी कोटा के लिए आरक्षण की महाराष्ट्र की लड़ाई की तुलना मध्य प्रदेश से की थी। सुप्रिया सुले ने पार्टी की एक बैठक में कहा था कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दिल्ली आए और किसी से मिले। मुझे नहीं पता कि अगले दो दिनों में अचानक क्या हुआ और उन्हें ओबीसी आरक्षण के लिए हरी झंडी मिल गई। इस बयान पर पलटवार करते हुए महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष ने कहा, आप राजनीति में क्यों हैं? घर जाएं और खाना बनाएं। आप राजनीति में हैं और आप नहीं जानती कि प्रतिनिधि मंडल कैसे ले जाएं और मुख्यमंत्री से कैसे मिलें। अब चंद्रकांत पाटिल के सुप्रिया सुले पर की गई टिप्पणी को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। कई राजनीतिक दलों के साथ साथ महिला संगठनों ने भी नाराजगी जताई और चंद्रकांत पाटिल के इस्तीफे की मांग की गई। पाटिल के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए सुप्रिया सुले ने कहा, हमारी सरकार दमनकारी नहीं है। वो जो चाहते हैं उन्हें कहने का उनका अधिकार है। मैं इस बारे में नहीं सोच रही हूँ। इसके अलावा सुप्रिया सुले के पति सदानंद सुले ने भी अपनी पत्नी का समर्थन करते हुए कहा, मुझे अपनी पत्नी पर गर्व है जो एक गृहिणी है, माँ है और एक सफल राजनीतिज्ञ है। उन्होंने कहा कि वो भारत में कई अन्य मेहनती और प्रतिभाशाली महिलाओं में से एक है और चंद्रकांत पाटिल का बयान सभी महिलाओं का अपमान है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।